अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वासिफ अली और आप देख रहे हैं क्रिकेट टेल्स यूट्यूब चैनल, जहां पर मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज 2021 का दूसरा T20 मुकाबला, जहां याद रहे कि सीरीज जो है वो अब आ चुकी है इस मोड़ पर कि साउथ अफ्रीका को सीरीज़ बचाने के लिए मैच जो है वो लाजमी तौर पे जीतना होगा। और इस वीडियो के अंदर आप जान सकेंगे दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के हवाले से कि दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 कौन कौन सी खेलते हुए हमें दिखाई देगी, साथ साथ आप जान सकेंगे मैच प्रेडिक्शन के हवाले से। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि आप जो हैं वो पिच और वेदर कंडीशन के बारे में भी जान सकेंगे और इस मैच का मुकम्मल अहवाल, ये मैच कब कहाँ और कितने बजे खेला जाएगा, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप तमाम दोस्त हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर करिएगा। जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लेते हैं गाइस मैच की, तो मैच जो है वो इन दोनों टीम्स के दरमियान खेला जाएगा कद्दाफी स्टेडियम लाहौर से ही, जहां पिछला मैच खेला गया था और ये मैच 13 फरवरी यानी कि सैटरडे वाले दिन इन दोनों टीम्स के दरमियान शाम 6 बजे पाकिस्तानी वक्त मुताबिक और 6:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक शुरू होगा। जहां पर अगर हम देख लेते हैं इस मैच से पहले दोनों टीम्स की कंडीशंस को गाइस, तो यानी कि सूरत हाल को, तो यहाँ पाकिस्तान की टीम ने आपको याद होगा पहला मैच जो है वो जीता था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच जो है वो हमें इन दोनों टीम्स के दरमियान देखने को मिल गया था, जहाँ 3 रन से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की टीम जीती थी और मैच की लास्ट डिलीवरी के ऊपर जाकर जो है वो इस मैच का फैसला हुआ था। लाइक जब 6 रन की ज़रूरत थी गेंद के ऊपर और साउथ अफ्रीका की टीम के बल्ले बाज जो हैं वो छक्का लगाने में नाकाम रहे थे। मैच के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम हमें ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दी थी, लेकिन उनको मसला बना था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पिनर से, तो उनको अपनी इस खामी को दूर करना होगा और अगर वो इस खामी को दूर कर लेते हैं, लाइक उस्मान कादिर को अच्छा खेल लेते हैं, मोहम्मद नवाज़ को अच्छा खेल लेते हैं, तो वो इस सीरीज़ के अंदर कामयाबी को अपने नाम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है वो इनको ख्याल होगा अगले मैच के अंदर और यकीनी तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर इनका टॉप ऑर्डर के दोनों बल्लेबाज अच्छा खेले थे, जानेमन मिलान ने 44 रन बनाए थे 29 गेंदों के ऊपर, जबकि रीज़ा हेनरिक्स ने भी 50 बनाई थी, लेकिन ये अहम मौके के ऊपर बड़ा स्कोर जो है वो नहीं बना सके थे और इसी वजह से साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो इस मैच को फिनिशिंग टच नहीं दे पाई। जहां पर बॉलर्स को अगर हम देख लेते हैं टीम साउथ अफ्रीका के, तो जूनियर डाला और लुथु सिपामला जो है वो थोड़े महंगे रहे थे। 5 ओवर्स के अंदर इन दोनों प्लेयर्स ने कुल मिलाकर जो है वो 50 के आसपास रन दिए थे और यही एक वजह थी कि टीम साउथ अफ्रीका जो है वो पाकिस्तान की टीम को आलमोस्ट 15 से 20 रन जो है वो इजाफी देगी, जहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा रहा टीम पाकिस्तान को और पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें मैच को जीते हुए दिखाई दी। पाकिस्तान की जानिब से कोई भी प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका सवाए बैटिंग की, अगर हम बात कर लेते हैं तो सवाए मोहम्मद रिजवान के, जिन्होंने 100 रन की ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली और वो दुनिया क्रिकेट में यानी कि क्रिकेट की दुनिया के अंदर दूसरे ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन बने जिन्होंने 3 फॉर्मेट्स के अंदर सेंचुरी लगाई। इससे पहले ये कारनामा न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज और उनके कप्तान ब्रेंडन मुकल्लम ने सर अंजाम दिया था, लेकिन अब जो है वो मोहम्मद रिजवान ने भी 3 फॉर्मेट्स के अंदर सेंचुरी लगाई। कमाल की परफॉर्मेंस थी मोहम्मद रिजवान की और भले ही इनको एक आध चांस मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सेंचुरी जो है वो दोस्तों पूरी की और एक ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखाई दिए। जहां पर दूसरे ऐसे प्लेयर बने ये पाकिस्तान की जानिब से जिन्होंने सेंचुरी लगाई, इससे पहले जो है वो अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरी लगा रखी है। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम के पास एक बहुत ही बड़ा मौका है, मौका इस लिहाज से है क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने अभी तक साउथ अफ्रीका की टीम को कोई भी T20 सीरीज़ नहीं हराई हुई, तो ये उनके पास एक बड़ा मौका है कि साउथ अफ्रीका की टीम को हराएं और रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर तोड़ें। यहाँ दूसरी जानिब एक और चीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं गाइस, तो यानी कि एक और रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, तो साउथ अफ्रीका की टीम को ये मैच इसलिए जीतना होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम है उन्होंने एशिया के अंदर अभी तक कोई भी T20 सीरीज लूज नहीं की हुई दोस्तों, तो ये एक बड़ा मौका होगा उनके लिए अगर वो इस सीरीज़ को बचाने में कामयाब होते हैं, अदरवाइज वो अपने इस रिकॉर्ड से भी जो है वो हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों ये अहवाल रहेगा यहाँ पर
दोनों टीम्स का, और दोनों टीम्स जब इस मैच के अंदर खेलने के लिए आएंगे तो एक हाई जज्बे के साथ आएंगे। पाकिस्तान की टीम अपनी होम कंडीशन में सीरीज को जीतने की कोशिश करेगी, जबकि दूसरी जानब साउथ अफ्रीका की टीम की कोशिश होगी कि वो इस मैच को जीतें और सीरीज को बचाएं। जहां पर लास्ट 5 मैच को अगर हम देख लेते हैं दोनों टीम्स की जानिब से, तो पाकिस्तान की टीम ने पिछले 5 में से 3 मैचेस को जीत रखा है, 2 मैचेस को लूज किया है। साउथ अफ्रीका की टीम ने पिछले 5 के 5 मैचेस को लूज किया है, जहां पर उनको सीरीज के अंदर हार का सामना करना पड़ा था टीम इंग्लैंड के खिलाफ, और अब पाकिस्तान से भी वो मैच हार चुके हैं। तो ये वाला मैच जो है वो बहुत ही अहम रहने वाला है। पिच और वेदर कंडीशन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं गाइस, तो पिच जो है वो एक दफ़ा फिर टर्न प्रोवाइड करेगी। पिच जो है वो बॉलर्स के लिए थोड़ी, स्पिन बॉलर्स के लिए थोड़ी साजगार रहने वाली है, लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स को देख लेते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, पिछले मैच से ज़्यादा रन्स बन सकते हैं इस विकेट के ऊपर। ये एक ऐसी विकेट जो है वो अब बन चुकी है, तो उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा रन्स जो है वो बनते हुए हमें दिखाई देंगे। मैच प्रेडिक्शन को अगर हम देख लेते हैं गाइस, तो मैच के अंदर जीतने के ज़्यादा चांसेस टीम पाकिस्तान के हैं, और पिछला मैच जीत कर उनका कॉन्फिडेंस और मोरल थोड़ा हाई है, मज़ीद हाई है। तो अब देखते हैं कौन सी टीम जीते हैं। ऑलमोस्ट 65% चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीत जाएगी। तो दोस्तों लास्ट में अगर हम देख लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के हवाले से, तो साउथ अफ्रीका की टीम की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां पर टीम साउथ अफ्रीका के अंदर जो उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 आज खेल सकती है, 1 से 2 तब्दीली एक्सपेक्टेड है। जहां उनकी ओपनिंग करेंगे वही 2 बल्लेबाज जो कि पिछले मैच के अंदर ओपन किए थे, जानिमन मिलान एज ए नंबर 1 ओपनर इनकी टीम के अंदर शामिल होंगे, जबकि इनके साथ ही प्लेयर होंगे रिजा हेनरिक्स। दोनों प्लेयर्स ने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन इस अच्छी बैटिंग को जो है वो बड़े स्कोर में, तेज स्कोर में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे थे। जब तेज स्कोर करने की बारी आई थी तो रिजा हेनरिक्स रन आउट हो गए थे। यहाँ पर नंबर 3 की पोजीशन पर जो प्लेयर हैं उनकी, उनमें तब्दीली की जा सकती है, लाइक जॉन स्मिथ्स को टीम के अंदर लाया जा सकता है, क्योंकि याकिस सेनमैन जो है वो बिल्कुल नाकाम रहे थे उस्मान कादिर को पिक करने में। तो ये एक तब्दीली हो सकती है, अदरवाइज हो सकता है कि सेमैन को फिर से एक मौका दिया जाए। नंबर 4 के प्लेयर का चलना जो है बहुत ही ज़रूरी है टीम साउथ अफ्रीका की जानिब से, क्योंकि डेविड मिलर अगर चलेंगे तो साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ेंगे, अदरवाइज साउथ अफ्रीका की टीम को हार का सामना करना फिर से पड़ सकता है, क्योंकि ये इनकी टीम के सबसे मेन और सबसे सीनियर प्लेयर हैं, तो इनका चलना थोड़ा लाजमी हो जाता है। इसके बाद नंबर 5 पर कप्तान खुद होंगे, बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। तो कप्तान अगर चलते हैं किसी भी मैच के अंदर तो यकीनी तौर पर इस चीज़ का फ़ायदा रहता है टीम को, और टीम जीत सकती है मैचेस को, क्योंकि कप्तान अगर टीम को फ्रंट से लीड करते हैं तो टीम का हौसला बढ़ता है और टीम अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती है। नंबर 6 पर आमले फिलिपवायो जो हैं वो गाइस टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। फिलिपवायो एक अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर हैं, बड़ी बड़ी हिट्स लगाई गई थी पिछले मैच के अंदर इनकी जान से, और साथ साथ अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, और इनके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है जब से ये टीम साउथ अफ्रीका का हिस्सा है। एंड इसी तरह डिवाइन पिटोरियस जो हैं वो नंबर 7 पर हमें बैटिंग और साथ साथ जो है वो बॉलिंग भी करवा सकते हैं ये प्लेयर। नंबर 8 पर स्पिन बॉलर बोजुआन फोर्चुन जो है वो टीम का हिस्सा रहेंगे। नंबर 9 पर लुथुस सिपामला को एक और मौका दिया जाएगा। नंबर 10 पर स्पिन बॉलर तब्रेज शमसी, अच्छी बॉलिंग करवाई थी इन्होंने पिछले मैच के अंदर, और यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस मैच के अंदर भी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहने वाली है। जबकि नंबर 11 पर ग्लिटन सुपरमैन जो है वो टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 रहने वाली है टीम साउथ अफ्रीका की। और अब अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाकिस्तान की गाइस, तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी ओपनर्स को देख लेते हैं गाइस। तो बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज होंगे, जहाँ पर बाबर आजम T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में 2 दफ़ा 0 के स्कोर पर आउट हुए हैं। एक दफ़ा वो पिछले साल आउट हुए थे जब बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने कदाफी स्टेडियम पर खेलते हुए कोई रन नहीं बनाया था, और एक पहला T20 मुकाबला था जहां पर वो रन आउट हुए थे। तो बाबर आजम थोड़ा सा आउट ऑफ टच दिखाई दिए हैं हमें टेस्ट मैच सीरीज़ के अंदर, तो उनका फॉर्म में आना थोड़ा ज़रूरी बन चुका है टीम पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान की टीम बड़े रन को स्कोर करना चाहती है। इसी तरह इनके साथ ही प्लेयर को अगर हम देख लेते हैं तो वो रहने वाले हैं गाइस मोहम्मद रिजवान किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है, और टेस्ट मैच सीरीज़ के अंदर इनकी परफॉर्मेंस आपने खुद देखी, मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया।
और अपनी उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए इस मैच के अंदर भी इन्होंने कम बैक किया और 100 रन्स के ऊपर की जो है वो इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की टीम को एक बड़ा स्कोर देने में अहम किरदार अदा किया। नंबर 3 पर हैदर अली जो है वो टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। गाइज, हैदर अली एक विस्फोटिक बल्लेबाज हैं, तेज खेलने वाले प्लेयर हैं और पिछले मैच के अंदर भी इन्होंने 3 छक्के लगाए और उसके बाद आउट हुए। तो उनको जो है वो अपने छोटे स्टार्ट को थोड़ा सा बड़ा स्कोर बनाने में कन्वर्ट करना होगा। एंड नंबर 4 पर आते हैं खुशदिल शाह लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, हालांकि डोमेस्टिक सर्कल के अंदर ये एक अच्छे प्लेयर समझे जाते हैं। 113 के स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक इन्होंने 100 के ऊपर रन बना रखे हैं 6 इनिंग्स के अंदर T20, तो इनको जो है वो चलना होगा लाजमी तौर पर, क्योंकि अगर बार बार आप अच्छा नहीं खेल पाएंगे तो फिर अल्टीमेटली आपको टीम से ड्रॉप किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल होगा यहाँ पर खुशदिल शाह को, और खुशदिल शाह को जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलनी है। साथ साथ आसिफ अली जो है वो दोस्तों टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, और आसिफ अली या फिर हुसैन तलत में से एक प्लेयर को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि बिग हिटिंग को मिस किया था टीम पाकिस्तान ने मिडल में, तो मे बी आसिफ अली को जो है मौका दिया जा सके। एंड इसके बाद नंबर 6 पर इफ्तिखार अहमद टीम के अंदर खेलेंगे, एज ए बिग हिटर टीम के अंदर शामिल होंगे इफ्तिखार अहमद। नंबर 7 पर ऑलराउंडर प्लेयर फहीम अशरफ को जो है वो टीम के अंदर शामिल किया जाएगा, और फहीम अशरफ अच्छी बॉलिंग करवा लेते हैं, साथ साथ इन्होंने पिछले मैच के अंदर आखिरी ओवर के अंदर स्कोर को डिफेंड भी किया था, तो ये की प्लेयर हैं टीम पाकिस्तान के। इमाद वसीम शादाब खान की गैर मौजूदगी में नंबर 8 पर मोहम्मद नवाज़ जो है वो टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। गाइस, ज़बरदस्त किस्म की लेफ्ट आर्म बॉलिंग करवाई गई थी और इनकी इकॉनमी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही थी। नंबर 9 पर शाहीन आफरीदी को रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो शाहीन आफरीदी की जगह पर हसन अली को जो है वो टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है, ये कभी इम्कान है दूसरे T20 मैच की प्लेइंग 11 के अंदर। जबकि नंबर 10 पर हारिस रऊफ को मौका दिया जाएगा, पहला स्पेल पिछले मैच के अंदर इनका ख़तरनाक रहा था, जहां 2 ओवर्स के अंदर 29 रन दिए, लेकिन अगले 2 ओवर्स के अंदर इन्होंने 2 विकेट भी ली थी सिर्फ और सिर्फ 15 या 16 रन देकर। एंड नंबर 11 पर गुगली बॉलर जो है वो उस्मान कादिर टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। उस्मान कादिर की परफॉर्मेंस काबिले दी थी पिछले मैच के अंदर, गुगली बहुत ही ज़बरदस्त करवाई और साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को कोई क्लू नहीं मिला कि इनको वो कैसे फेस करें, और इन्होंने 2 विकेट को जो है वो अपने नाम किया था। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 रहने वाली है टीम पाकिस्तान की और साउथ अफ्रीका की, जहां पर ये मुकाबला इन दोनों टीम्स के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर से 13 तारीख सैटरडे वाले दिन शाम 6 बजे पाकिस्तानी वक्त मुताबिक, 6:30 बजे इंडियन वक्त मुताबिक शुरू होगा। और आप तमाम दोस्तों के ख्याल से कौन सी टीम इस मुकाबले को विन करेगी, क्या साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतेगी या फिर पाकिस्तान की टीम, इस मुतलिक आप तमाम दोस्तों ने लाजमी तौर पर बताना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर करना है, इसी किस्म के मैच प्रीव्यूज़ और मैच अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी आप तमाम दोस्तों ने लाजमी तौर पे करना है, और इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हम इस चैनल के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने नए चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ पिन कमेंट में और लाइव चैट के अंदर भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो तमाम दोस्त जो हैं हमें ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अपने होस्ट एंड दोस्त आसिफ अली को इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड बाय बाय।